क्या आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है कि नहीं? तो अगर है तो आप इस फैक्ट को तो जरूर जानते होंगे, यही कि भारत की एक ऐसी जगह भी है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से दर्ज किया जा चुका है। दोस्तों, ये जगह हिमाचल प्रदेश की चैल में स्थित है। इस क्रिकेट ग्राउंड को पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने 1893 में बनवाया था। आज के समय ये क्रिकेट ग्राउंड सी लेवल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ग्राउंड के चारों तरफ आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे और चैल मिलिट्री स्कूल के बच्चे इसे प्ले ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं यहाँ पर पोलो भी खेला जाता है और इसके अलावा यहाँ पर एक बेहतरीन बास्केटबॉल कोर्ट भी है और क्रिकेट तो यहाँ रोज ही खेला जाता है। तो भारत का ये सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड आपको कैसा लगा, जल्दी बताइएगा। और ऊंचाई की बात हो ही रही है तो क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपना एक ऐसा ब्रिज है जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। इस ब्रिज का नाम है चेनाब ब्रिज, जो 324 मीटर ऊंचे एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेलवे ब्रिज कितनी ज्यादा ऊंचाई पर बना होगा। हालांकि इसे बनाना इतना आसान नहीं था, बहुत सारी इंजीनियरिंग और बहुत सारी मेहनत के बाद आखिर भारत का ये अनोखा अजूबा तैयार हुआ और इसकी इनॉग्रेशन अगस्त 2022 में ही किया जा चुका है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर भारतीय रेल भी दौड़ेगी। चलिए अब जरा ये बताइए कि भारत की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हर रोज 1,00,000 से ज्यादा लोग आते हैं? नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर हर रोज 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि गोल्डन टेम्पल का नाम आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया का ऐसा पहला धार्मिक स्थल है जहां पर हर रोज सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, यहां पर 24 घंटे लंगर चलता है जिसकी वजह से कोई भी इंसान यहां पर भूखा नहीं जाता। रोज यहाँ पर लाखों लोग लंगर चखते हैं और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाने के लिए यहाँ पर आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं जो फटाफट रोटियां तैयार कर देती हैं। लेकिन बाकी खाना हाथों से बनाया जाता है जिसके लिए यहाँ पर स्वयं सेवक अपनी मर्जी से सेवा प्रदान करते हैं। तो कभी मौका मिले तो अमृतसर जाकर गोल्डन टेम्पल में जरूर माथा टेकिएगा। इसी तरह चलिए आपको भारत का एक और ऐसा अनोखा मंदिर दिखाते हैं जहां पर पहुंचने के बाद आपको अपने चारों तरफ सिर्फ हजारों चूहे दिखाई देंगे। ये मंदिर है करणी माता का मंदिर। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ये बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर में करीब 25,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं और अगर गलती से आपको वहां पर सफेद चूहा दिख गया, जिसे यहां पर काबा कहा जाता है, तो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा मंगलकारी होता है। इस मंदिर में कितने चूहे हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैदल चलने के लिए आपको अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ना होगा। और लोग इसी तरह कदमों को घिसटते हुए करणी माता की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। इस मंदिर में चूहों को विभिन्न तरह के पकवान का भोग लगाया जाता है, फिर बाद में झूठे भोग को श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में इतने चूहे क्यों हैं, इसका कारण आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है और ना ही झूठा प्रसाद खाने के बाद कोई बीमार हुआ है। लेकिन हैरान मत होइए, क्योंकि हमारा भारत देश चमत्कारों से भरा हुआ है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।